हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पोहे से पुआ बनाऊंगी, तो इसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यहां एक कप मैंने पोहा लिया है और इसे तीन बार पानी डाल करके अच्छे से धो लिया। अब इसमें मैंने ज़रा सा भी पानी नहीं रहने दिया है, फिर इसे ढक करके 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया। अब एक कप मैंने सूजी लिया है और एक कप चीनी, फिर दो फूटी हुई इलायची और एक कप गुनगुना दूध, फिर इसे अच्छे से मिला दिया है। गुनगुना दूध अगर आप लेंगे तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दो तीन मिनट तक इस तरह मिक्स करें, फिर इसे भी 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दें। फिर 15 मिनट के बाद पोहे ने सारा पानी पी लिया है, तो अब इसे अच्छे से हाथ से या आपको जैसे भी लगता है इसे अच्छे से इसे डो की तरह कर लें। जब ये अच्छे से डो की तरह हो गया तो इसमें मैंने गर्म दूध डाला है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म दूध डाला ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ हैं वो अच्छे से फूट जाएं, मतलब गुठलियाँ नहीं रहने देनी है। फिर इसमें मैंने एक चौथाई कप इसमें मैदा डाला है, तो ये ऑप्शनल है, अगर मन है तो डालिए, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं, बिना मैदे के भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें आधा कप और दूध डाला, यानी 2.5 कप मैंने टोटल दूध यूज़ किया है। फिर इसे अच्छे से मिला दिया। फिर इसमें मैंने जो सूजी में चीनी और इलायची डाल करके किया था उसे एक बार अच्छे से मिक्स किया और इसमें डाल दिया। अब एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि पोहा, मैदा, सूजी जो भी था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगर आपको ये लगता है कि इस कंसिस्टेंसी अगर आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें 1-2 चम्मच और इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। तो एक लैडल ले लें आप इस तरह से, और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और एक लैडल आप उसमें ये बैटर जो है वो डाल दें, और जब ये 5-7 सेकंड्स तक जब आप देखें इस तरह से ये फूल जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर से इस तरह तेल भी डालें इसके ऊपर और इसे पलट दें। तो आप देख सकते हैं ये फूला भी है और बहुत बढ़िया दिख भी रहा है। तो आपने सूजी का के पुए खाए होंगे, अपने मैदे से बने हुए पुए खाए होंगे, लेकिन आपने पोहे के पुए नहीं खाए होंगे। ये है पोहे से बना हुआ पुआ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बनाइए, खाइए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।